ఎప్పుడు సంపద కలిగినా, 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 ఎప్పుడు సంపద నైన్ టైమ్స్ కూడా ఎప్పుడు సంపద కలిగినా, ఎప్పుడు సంపద కలిగినా చూపా ఆరే నర్సరీ ఎల్కేజీసే పట్టలే ఆడకు హాస్టల్ ప్యాము క్యాంకరే అక్కడ టీచర్ క్యాంకరే బస్ట్ మ్యామ్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేనేజర్ బ్రిటిష్ मादरी जबान उर्दू हो रहे हैं और हम आपको ज़्यादा हमारे बच्चों को जो है तेलुगु से ज़्यादा नहीं पढ़ता तो जिसकी वजह से इस ज़बान में हमारे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें मुश्किलें पेश आती हैं। इस सिलसिले में जो है हमारे जनाब समद साहब जो है जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर फोकस स्कूल में, मेरी बच्ची भी अटेंड करी है और काफ़ी मेरी बच्ची को उससे फ़ायदा हासिल हुआ है और एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है इसको, क्योंकि हमारी मादरी जबान रहने से ये तेलुगु लैंग्वेज को जो है अदा करने में, इसके प्रोनाउंसिएशन में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है समझने में, तो साहब का जो तरीक़ेकार है समझाने का और जहन में बिठाने का माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो बच्चों के जहन को जो है मोटिवेट करते हैं और उनको आसानी से तेलुगु जबान जो है समझने की उनके अंदर सलाहियतें पैदा होती हैं और जुस्तजू भी पैदा होती है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ये फोकस स्कूल वालों का भी जो ये मौका फराहम करें और जनाब समद साहब का भी कि हमारे बच्चों की जो है बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, शुक्रिया मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर अब्दुल समद है। गुज़िश्ता दो हज़ार सात से मैं ये प्रोग्राम्स करते हुए आ रहा हूँ और इस हमारे तेलंगाना रियासत में जब भी हम तेलुगु की ज़बान के लिए बहुत डरने की कोशिश करते हैं, डरते रहते हैं, हमारे मुसलमान बच्चों में ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते रहता। जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो तेलुगु में 20 मार्क्स 18 मार्क्स से पास होना और ये बोला ये जहनीत बन चुकी रहती, और ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए मैं ये सेशंस लेते जा रहा हूँ और स्पोकन तेलुगु की क्लासेस भी कंडक्ट करते जा रहा हूँ ताकि हर एक को तेलुगु सब्जेक्ट से लेके एक दिलचस्पी पैदा हो, तेलुगु में बातचीत करना सीखना है उनको, आगे चल के भी हमारे कई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहेंगे तो उसके अंदर कंपलसरी। और रही दूसरी बात, हमारे पास एक क्या है
यहाँ पर मवाद जो भी मवाद आपको मिलता है, जो भी एग्जाम्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर होने के लिए करने के लिए वो तेलुगु में ज़्यादा मवाद मिलते रहता, तो आगे चल के हमारी जो लैंग्वेज लर्न करने से हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होते रहेगा। और आप देख रहे हैं ऐसे कईयों प्रोग्राम्स मैंने कर रहा हूँ, ये जहाँ जितने भी बच्चे आए हैं वो अलग अलग स्कूल से कई दूर से, जैसे हमारे काले मौत तुम और किसी लिए या किसी को ये नहीं कि हम पर्टिकुलरली आपको एक स्कूल का बोल के नहीं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं और हम सब लोग 10/10 मार्क्स हासिल करने के लिए जज्बे से यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये इंशाल्लाह ये सभी 10/10 मार्क्स हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे अचीवमेंट में भी ऐसे कई चीज़ें हैं, मैं सरत नगर में भी ऐसे क्लासेस लिया था, तो वहाँ जब जिस दिन रिजल्ट आते हैं तो उस दिन वो बोलते हैं कि सर हम तेलुगु में 10/10 मार्क्स ले गए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है बोल के बोलते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में वो अच्छे से गेन कर लेते हैं, मैथ्स में साइंस में ऐसे हर सब्जेक्टों में वो लोग अच्छे से मार्क्स हासिल कर लेते हैं, 10/10 GPA लेके आ लेते हैं, लेकिन तेलुगु में आके वो 20 मार्क्स और 25 मार्क्स से वहाँ पर आके वो अटक जाते रहते। तो जब ये मेरे सेशन चलते रहते तो उसके अंदर मैं वो जो टेक्निक्स मैं उनको बताता हूँ जिस अंदाज में वो आसानी के साथ तेलुगु में भी वो 10/10 मार्क्स हासिल करके, ये कई सारे बच्चे प्रूव कर रहे हैं कि मेरे को 10/10 आए सर, 10/10 आए सर। तो ऐसा जब लोग फ़ोन करते हैं यानी कभी मिल के बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का मैं बयान नहीं कर सकता जब उस टाइम पर हमको कितनी खुशी होती है। तो ये हिसाब से हम लोग ये क्लासेस जहाँ जहाँ पर भी मौका मिलते गया वहाँ वहाँ पर ये कंडक्ट करते जा रहे हैं और इसका आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें कई स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में शामिल होते रहेंगे और उनका फ़ायदा हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये बैच के अलावा 10/10 मार्क्स आसानी के साथ लेके आएंगे, यहाँ जहाँ पर भी हमारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो लोग ये अपने 20 मार्क्स 25 मार्क्स 40 मार्क्स के अंदर हम तेलुगु में इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं उनके सब्जेक्ट वाले भी लगा 80-90 10/10 लेना है हम ईजिली लेके आ सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाता है उनको उस अंदाज में। मेरा नाम सैयद मुर्तज़ा हुसैन है, मैं फोकस स्कूल में एज ए रेमेडियल टीचर काम कर रहा हूँ, यानी हमारे स्कूल में वो बच्चों के ऊपर भी काम किया जाता है जिनके माँ बाप या फिर दूसरे स्कूल जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको ट्यूशनों में चले जाओ बोलते हैं या फिर उनकी मुश्किल उनकी परेशानी को नहीं समझ सकते, उनके वो तकलीफ़ को भी समझ के उनके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज को आइडेंटिफाई करके उन मुश्किलों को दूर करने के नए नए तरीके निकालते रहते हैं। तो हम लोग हमारे स्कूल के बच्चों के लिए काम कर रहे थे, हमें सेमेस्टर के बारे में मालूम हुआ, लास्ट ईयर सेमेस्टर आके हमारे पास कॉन्टैक्ट क्लासेस किए एक 15-20 दिन लिए, उसके बाद उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो वो देख के हम लोग ये साल सेमेस्टर के साथ एक कॉन्टैक्ट क्लासेस का फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उसके बाद बनाने के बाद में सेमेस्टर और दूसरे टीचर और मैं मिल के फिर ये प्लान करें कि शाम में हम हमारे स्कूल के अलावा कोई और बच्चे भी अगर आना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी क्लासेस का इंतज़ाम करेंगे। तो हम लोग ये पिछले एक महीने से स्टार्ट करें, इसमें थोड़े थोड़े होते होते जो है बच्चे आना शुरू हुए, आज जो प्रोग्राम चल रहा है ऊपर उसमें 100 के ऊपर बच्चे हैं जिसमें 20 से ज़्यादा स्कूलों के अलग अलग मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे हैं। हमारा मकसद या समस्या का मकसद बोलिए या स्कूल का मकसद ये है कि तेलुगु लैंग्वेज में जो मुश्किल है बच्चों को, दो तरीके की मुश्किल है, एक ये है कि वो एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से उनका फाइनल GPA या फाइनल टोटल जो है वो कम हो जा रहा है सिर्फ तेलुगु की वजह से। तेलुगु उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तेलुगु एज ए लैंग्वेज वो लोग पढ़ने की जगह तेलुगु एज ए सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर रुकावट ये रह रही है कि बेसिक्स क्योंकि पहले से सही नहीं है तो उनको पहले से शुरू कराना। और समझ सर ये काम करते हैं जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो आ ई से स्टार्ट करके पूरा